यूपी स्कॉलरशिप का करेक्शन करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप समझना है, ठीक है, कि कैसे आपको करेक्शन करना है और किन स्टेटस वालों को करना है वो भी आपको बताया जाएगा। काफ़ी लोगों का स्टेटस अभी मतलब गलत तरीके से शो हो रहा है, अगर आपका गलत होगा तभी वहाँ पर शो करेगा, करप्शन विंडो ओपन होगा। स्टेप बाय स्टेप देखते रहें आप लोगों को करना क्या है, जैसे कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी स्कॉलरशिप की, तो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना होगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर नाइन्थ टेंथ पॉलिटेक्निक आईटीआई डिप्लोमा सभी लोगों की बात करेंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पर रिन्यू ये वाला ऑप्शन है, देखिए अगर आप फ्रेश की हो तो फ्रेश पे क्लिक करेंगे, रिन्यूअल की हो तो रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं रिन्यूअल की बात करता हूँ तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं, प्री मैट्रिक यानी कि नाइन्थ टेंथ वाले बच्चों के लिए है ये, और ये इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए, दूसरा वाला इंटरमीडिएट इलेवंथ ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए, तीसरा जो ऑप्शन है वो पोस्ट मैट्रिक यानी कि इसके बाद इंटर के बाद जो भी आप कोर्स करते हो वो ये सारी चीज़ पोस्ट मैट्रिक में आती हैं, डिप्लोमा आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक बीएससी बीए सब इसी में आता है आपका, वो है पोस्ट मैट्रिक और देन इंटरमीडिएट लॉगिन। तो आप लोगों को इसी पे लॉगिन करना है सिंपली तरीके से, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। लॉगिन करना है अपना आईडी पासवर्ड डालने के बाद फिर आपको सबमिट करना है, आगे का प्रोसीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। आपके करेक्शन में जैसे मान लीजिए आपके स्टेटस में कोई प्रॉब्लम है तभी ये चीज़ शो करता है, कैसे शो करेगा वो आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं। फिर आप लोगों को इस तरीके से लॉगिन कर लेना होगा, ठीक। फिर आपको करना क्या है, सिंपल सा तरीका है, स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए आएंगे, फिर आपके सामने इस तरीके से शो होगा। इस फोन को रोटेशन में कर लेंगे आपको, फिर यहाँ पर आता होगा आपको आवेदन पत्र को संशोधित करने वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर जो आपको दिखता होगा आवेदन पत्र को संशोधित करने वाला ऑप्शन, ठीक है। स्टेटस आप चेक कर ही लिए होंगे तो अपना स्टेटस कैसे चेक करना है मैं बता दिया हूँ। आवेदन पत्र को संशोधित करने वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर आपका ये पूरा ओपन हो जाएगा फॉर्म, ठीक। किस तरीके से क्या क्या फंडा है, पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपकी प्रॉब्लम शो होगी, ये वाली प्रॉब्लम है एनरोलमेंट नॉट मैच, इनका क्या है, इनका करेक्शन होना था, इनका नंबर बड़े हैं रीचेक में, तो आपके अगर नंबर बड़े हैं तो आप करेक्शन कर सकते हो, नंबर नहीं बड़े हैं तो आप करेक्शन नहीं करना, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होती है मेजर प्रॉब्लम तो उसके लिए आप करेक्शन कर सकते हो, अगर नंबर नहीं बढ़े तो एप्लीकेशन दे सकते हो, इसके लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ उसको जाकर देख लें। अब इसमें मुझे करना क्या है, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे सर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपल सा फंडा है, आपको मान लीजिए आपकी वार्षिक अंक प्रणाली ये गलत हो गई, इसको करेक्शन कर सकते हो, है ना, या फिर अपना जो वार्षिक अंक प्रणाली है, सेमेस्टर अंक प्रणाली है, इसमें सेमेस्टर लिख सकते हो, क्योंकि पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर प्रणाली होती है गत वर्ष की, लेकिन जो वार्षिक प्रणाली तो वो हमारी होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर चेंज करना है, ठीक है, तो वो आप नंबर लिख देना अपना, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। आपका करेक्शन विंडो तभी ओपन होगा जब आपके स्टेटस में कोई कमी होगी, ठीक है, या फिर आपके मार्क्स गलत होंगे तभी करेक्शन विंडो ओपन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ये भी आप सुन लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, बच्चे कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे, सर मेरा करेक्शन विंडो ओपन नहीं हो रहा, मेरा तो मतलब गलत है, तो ऐसा नहीं है, आपका सब कुछ ठीक होगा तभी तो करेक्शन विंडो ओपन नहीं हो रहा है। बहुत से बच्चों का हो रहा है ओपन, जिनका ओपन हो रहा है वो करेक्शन कर लीजिए, जो करेक्शन करना है कैसे करना है, गलती हो गई दोबारा सबमिट, अभी मौका है, एक बार सबमिट हो जाएगा बाद में ओपन नहीं होगा फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है, आपकी वो करेक्शन करने का मेथड यही है, लॉगिन करना है, उस पर क्लिक करके जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसमें करेक्शन करने के बाद आपको जो फाइनल प्रिंट है वो अपने कॉलेज में जमा करना होता है, ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा, फाइनल प्रिंट कॉलेज में जमा होता है, तो वो प्रोसीजर आपका ना अलग है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब जमा करने होते हैं फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनका थोड़ा सा मार्क्स इधर था, इनका एनरोलमेंट नंबर लिख के आप लोगों को, अब जिनकी प्रॉब्लम ये थी आपकी क्या है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम थी तो वो करेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, इनका एनरोलमेंट नंबर मैंने लिख दिया, इनके मार्क्स में कुछ प्रॉब्लम थी, कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ये है संशोधन हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका फॉर्म संशोधन हो चुका है। अब अपना क्या है, आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप जो आती है उसका फाइनल प्रिंट निकाल के कॉलेज में जमा करना होता है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको आता होगा फाइनल प्रिंट निकालें, है ना, कॉलेज में जमा करने हेतु, तो इस पर आपको टच करना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इस पर टच करोगे आपका पूरा फाइनल प्रिंट निकल के आ जाएगा, ठीक। इसके बाद आपको करना क्या है, ये फाइनल प्रिंट अपने कॉलेज में जमा कर देना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ, जो जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने लगाए थे वही डॉक्यूमेंट इसमें आपको लगाना है, कोई भी इसमें दोहराए वाली बात नहीं है। ये सारे प्रोसीजर हैं,
आपको लगा के डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है, और जो जो आपके कॉलेज में मांगी गई चीज़ें वो जमा करना है, जो आपने पहले दी थी वो सारी चीज़ आपको जमा करना है। ठीक, तो यही अपना है स्टेप। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे करेक्शन करना है। अगर आपके भी करेक्शन करना है तो कर लीजिए। इसकी लास्ट डेट 15 तारीख तक है, अभी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो तो कह नहीं सकते, अभी तक 15 ही है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।